घटना के पीछे तीन कहानियां होती हैं। एक जो लोग सोचते हैं, दूसरी जो इंसान करता है वो बताता है, और तीसरी जो सच होती है वो है कहानी। रुकता कभी न राहों में शौर्य, डरता कभी न किसी से शौर्य, दिलों में रहा है सबके शौर्य, लक्ष्य को रहता है पाके शौर्य। खतरों का है ये तो खिलाड़ी, जीते बाजी शौर्य शौर्य, डरता है ये जुल्मों से तम से, अन्याय सहेना शौर्य शौर्य। Hey, मैं पार्किंग लॉट में हूँ, आ रहा हूँ। प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों? बॉस को पसंद नहीं आया? अरे सुनेगा तो पसंद आएगा ना। लास्ट 10 बैचेस के सारे लोग थे। आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है। 300 कोर्स के प्रोजेक्ट को आपको देने में रिस्क है, ऐसा कहकर रिजेक्ट कर दिया। पूछने पर कि अब क्यों बता रहे हैं, कोई जवाब नहीं। कम से कम अपने बॉस से बात तो करने दीजिए कहने पर ना कह दिया। डायरेक्टली मिलने के लिए कहा तो मना कर दिया। हेलो हेलो, समझ में नहीं आ रहा है बॉस के पास कैसे जाएं? अगर हम बॉस के पास नहीं जा सकते तो उसे ही अपने पास बुलवा लेते हैं। इसे पकड़। यार शौर्य, क्या करने वाला है तू? यार सामने वाले के हिसाब से अपना कैरेक्टर होना चाहिए। अगर हम एक ही कैरेक्टर में रहे तो जीना मुश्किल हो जाएगा। कोई प्यार मांगे तो प्यार देना चाहिए, लेकिन दिमाग खराब करे तो। ए, ए, अरे क्या कर रहा है तू? Hey, what's happening? Hey, mister, it's dangerous to be here. Go. वो फॉल्स अलार्म है सर। What? ऐसे कारनामे करोगे तो तुम्हें लगता है हम कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें दे देंगे? नहीं देंगे सर, लेकिन कम से कम प्रपोजल तो सुन लेंगे। सर, रिस्क ना उठाने पर एसी रूम में होंगे, लेकिन रिस्क उठाने पर एवरेस्ट पर होंगे, ये आप जैसे बड़े लोग कहते हैं। गांव में पढ़ाई करके अगर मुझे जॉब ही चाहिए होता तो इन सबसे बेटर जॉब मिलता सर। बट दिस इज माई ड्रीम, बहुत मेहनत करके तैयार किया है। थोड़ा सा टाइम दीजिए, प्लीज गिव अस अ चांस। हाउ मच टाइम यू नीड? जस्ट 10 मिनट सर। ओके गो अहेड। Superb job done, man. Thank you so much, sir. All the very best. Thank you, sir. Okay. क्या हुआ? आप लोग ऐसे क्यों बैठे हैं? हाँ? Anyway, contract ready करो. Okay, sir. Make it fast. Sorry, यार. मैं इस project में नहीं रहूँगा. What? ये क्या कह रहा है? मेरे घर वाले मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। वो उसके घर वालों को बता भी ना आ गई, इसलिए कल रात उसे लेकर मैं यूके जा रहा हूँ। What? कुछ दिनों बाद लौटने का प्लान है। Are you mad? सब कुछ जानते हुए भी? सब डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, चल। यार ये 300 करोड़ का प्रोजेक्ट है और तेरा ड्रीम है ये, इसे उस लड़की के लिए छोड़ रहा है तू? ए, उससे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है।
फिर ये कॉन्ट्रैक्ट? वो तो तेरे लिए है, तेरा लॉस ना हो इसलिए। तो तू निकल कब रहा है? कल ही रात को। नेत्रा आज रात मंदिर में जागरण करी, ऐसी उसने मन्नत मांगी है। वो पूरी होते ही कल हैदराबाद निकल जाएंगे। मंदिर जाने के लिए वापस नेत्रा के गांव से जाना होगा ना, ऐसा रिस्क क्यों? ए, मुझ पर भरोसा करके वो यहाँ तक आई है, एटलीस्ट एक रात तो उसका ख्याल रख सकता हूँ। हे, नेत्रा कहाँ चली गई? हम दोनों साथ में आए थे, यहीं बैठने को कहा था। एक्सक्यूज मी, डिड यू सी अ गर्ल हियर? नो। तू वहां जाकर देख। ओके, नेत्रा 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 सो मच सिस्टर। वैसे स्केट करने पर कैसा लगता है? मुझे भी करना है, ये रोज पूछती थी। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। इट्स ओके। हे, क्या हुआ? कॉन्ग्रेट्स। हम शाम को शिवालय चल रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल। हम इंडिया कब वापस आएंगे पता नहीं, इसलिए उस गांव में वापस जाना चाहती हूँ और वहाँ जाकर उन सारी जगहों को गुड बाय बोलना चाहती हूँ। Your wish. ओ प्रिया, प्यार मिला है मुझे जब से तेरा, तो मुझको है मिले जीने की वजह। मैं रब से मांगू अब तो बस यही दुआ, ये रिश्ता रहे तेरा मेरा यूं ही सदा। मेरी दीदी की फेवरेट प्लेस है ये, हम रेगुलरली आते थे। तुझसे है मेरी ये दुनिया, तेरे बिन हूँ मैं अधूरा, तुझसे वजूद ये मेरा। ओ प्रिया, प्यार मिला है मुझे जब से तेरा, तो मुझको है मिले जीने की वजह। You my baby, you my boo. My love is for you, so it's true. No one's between me and you. Together we love beautiful. It's all in the game. Let's take all the pain. The moment it fades, our world is in play, play. Tujh se mile bina, ooh ooh ooh, dil mera maane na. Aalam ye dil ka, ooh ooh ooh, hai tujh se hi khushnuma. तुझपे ही मिला है दिल को प्यार का नजराना, तेरे आने से लगता हर लम्हा सुहाना। अब तुझ में ही दिखता है मुझको अक्स मेरे रब का, जान मेरी हर सदा में है तू। ओ प्रिया, प्यार मिला है मुझे जब से तेरा, तो मुझको है मिले जीने की वजह। तुझसे है ये कहना, दिल में हमेशा रहना, कभी ना रूठना, तोड़ ना जाना। अब तेरे बिना
एक पल भी ना होगा मेरा गुजारा, एक तेरे सिवा ना कोई माही मेरा है सहारा। तू ही मेरा पहला प्यार है, तू ही आखिरी तमन्ना है, तेरे हाथों में मेरी डोर चाहे जहां ले जाना। हाय भाई, जिस लड़की ने मारा था वो यही है। छोड़ो मत भाई, आज उसकी कहानी खत्म कर देते हैं। चलो, उसे यही देखा था। अबे पुलिस, कट लो यहाँ से। हर शिवरात्रि पर मैं, दीदी, माँ, पापा यहाँ आकर इसी तरह सो जाया करते थे। इस बार तुम्हारे साथ। ये लड़की तो हमारे एमपी सत्यमूर्ति जी की बेटी है। एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी जाए, बोलो। ओह माय गॉड, काफी खून बह गया, स्ट्रेचर लाओ जल्दी। उठाओ उठाओ, इन्हें जल्दी उठाइए। संभल के, संभल कर। हाँ, रुक। तूने ही एमपी जी की बेटी को किडनैप किया था ना? किडनैप किया था? लड़की को किडनैप करके मर्डर करने की प्लानिंग थी? सर, सर, मुझे जाने दीजिए सर। चुप। लड़की का मर्डर करके बचना चाहता है? मैं कैसे मर्डर कर सकता हूँ सर? अपना नाटक करना बंद कर, तेरे जैसे बहुत क्रिमिनल्स देखे हैं मैंने। चल, ले भी चलो इसको। नमस्कार जी। नमस्ते। अभी ऑपरेशन किया है, ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं जा पा रही है, उनकी हालत बहुत नाजुक है। ए डॉक्टर, अगर मेरी नेत्रा को कुछ हुआ तो पूरे हॉस्पिटल में आग लगा दूंगा। छोड़ो ने। नहीं भैया, ये चुप करो, छोड़ छोड़ उनके, किसी काम आइए डॉक्टर। सॉरी डॉक्टर, मैं अपनी बेटी को सिटी के अच्छे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देता हूँ। कंडीशन बहुत सीरियस है, 24 घंटों में इनको होश आ जाए तो अच्छा होगा। ऑलमोस्ट नेकबोन कट चुकी है इनकी। भाई, वो शौर्या मिल गया, यहीं पुलिस स्टेशन में, मार दे क्या? एक मासूम सी लड़की का गला काट के मारने वाले का नाम है शौर्या। वो लड़की वहाँ शिवरात्रि का उत्सव मनाने गई थी। ये शौर्या कौन है? शौर्या और नेत्रा के बीच क्या संबंध है? मैं शौर्या, प्रीति का कजिन हूँ, आपको रिसीव करने के लिए उसने भेजा है। मेरे सारे पैसे गिर गए, मैं बेटे को क्या कहूँगी? मुझे मिले। हाँ, ये लीजिए। मुझे लड़कों से दोस्ती करने के लिए जन्मों लग जाते हैं, लेकिन
कुछ देर पहले वो बच्ची और अब ये, आप क्या हो एक पल में समझ में आ गया। ग्लैड टू मीट यू। मैं भी हर किसी से दोस्ती नहीं करता, अगर करूँ तो उसे जिंदगी भर नहीं छोड़ता। इस हाई बाई की फ्रेंडशिप के अलावा लाइफ टाइम फ्रेंडशिप हो तो कहिए, देन आई मीन। प्रीति की शादी इतने सडनली क्यों फिक्स कर दी? एनआरआई लड़का है, 10 दिन में शादी करना चाहते थे। लड़का भी बहुत ही अच्छा है, अपनी प्रीति के लिए परफेक्ट मैच है, इसलिए चलिए ना। बद्री अब तक नहीं आया? बद्री? बद्री कौन है? डोंट वरी, जय बजरंग बली। चेहरे से चोर लगता हूँ क्या? हर चोर यही कहता है कि वो चोर नहीं है। वो चोर नहीं हूँ, झूठ बोलता है, तुझे शर्म नहीं आता? अरे चोर कोई और है। पुलिस के हवाले करते हैं या हमें मार डाले? आंटी आंटी, ये चेन मेरी है आंटी। अच्छा, चेन मिलता है, ये ले जा। आंटी, इसका मतलब तू चोर नहीं है? बाप रे, भाई साहब। सॉरी, मेरे पास छोटे नहीं है। क्या हुआ बद्री? ये बद्री है। चार बच्चे लॉरी के नीचे आने वाले थे, बड़ी मुश्किल से उन्हें बचाया है। लॉरी? हाँ। लॉरी इस गांव में नहीं आती? लॉरी मतलब एग्जैक्ट लॉरी नहीं, डीसीएम वैन जैसी। वो भी इस गांव में नहीं आती क्योंकि रोड बहुत छोटा है। वो तुम्हें पता है, लॉरी को नहीं ना, उसने कौन सा बीकॉम बीए की पढ़ाई की है। ठीक है, ये सब छोड़ो बद्री। ओके, ये शौर्या जी है, ये हम दोनों को यहाँ रिसीव करने के लिए आए हैं। वेरी नाइस पर्सन जी। किस लिए? We are friends. Call me Shaurya. Sure. लगता है बहुत करीब आ गए। टाइम हो गया है, बोट निकल जाएगी, चलिए। सॉरी बेटा, चोर समझ के धो डाला था मैंने। जाओ जाओ। हाँ, जा रही हूँ। करना। देखो, चांस मिल गया ये सोचकर हम दोनों के बीच में मत आओ। हम दोनों की शादी कभी भी हो सकती है। ओ, हाँ, कूल। ये लो पकड़ो। क्या है बद्री? रिक्शा, तुझे ही बोल रहा हूँ, पागल कहीं का। रिक्शा इस तरह सड़क के बीच में क्यों रख दिया? हटा। कौन है रिक्शा? कोई चोर कहता है, कोई भिखारी कहता है। अगली बार तुमने रिक्शा कहा तो एनकाउंटर करके रख दूंगा तेरा। ए, देख क्या रहा है, हटा यहाँ से। ठीक है सर। अरे बेटा, पुस्तकालय लेकर चलो। पुस्तकालय में? 5 रुपए ज्यादा दूंगा, लेकर चलो बेटा। जिंदगी में ना जाने क्या क्या करना पड़ेगा। मेरी तो किस्मत ही खराब है, आज तो तू गया। अरे बैठना, चुपचाप बैठ जा। तो बैठ। अरे बैठना। सामने देखो कितना। चुप कर। रुकिए ना। क्या हुआ? आपको क्या पसंद आया? वो हिल। उसे यहाँ प्रिंट कीजिए, फिर जब चाहे देख सकती हो। हम जो भी फोटोज लेते हैं उन्हें लाइफ टाइम तो बिल्कुल नहीं देखा जा सकता। अब उसे ही देखिए ना, उसे अपने दिल से क्लिक कीजिए। राइट। अब वापस अपनी आंखें बंद कीजिए, उसे ही सोचिए। क्या नजर आ रहा है? सेम। एग्जैक्टली। अब इसे आप लाइफ में जब भी चाहो तब इसे देख सकती हो। बिना दर्द के जल्दी से बाहर निकाल दे। बिना दर्द के निकालूं? हाँ भाई। क्या निकालूं? कान का मैल। निकालना। कान से मैल निकालूं? हाँ। मैं हाँ। मैं होने वाला एमपी हूँ रे। साल फोड़ दूँगा तेरा। जल्दी कर। फिर कभी दिखाई दिया तो ये तू अपनी दुकान संभालना। हाँ ठीक है। अपनी किस्मत में क्या लिखा है? इतनी सिक्योरिटी क्यों है यहाँ? कोई भी शराब पीकर यहाँ आ ना सके, इसलिए सब सिक्योरिटी है। बहुत जरूरी है ये। हाय अंकल। हाय बेटा। ये लीजिए, ये आपकी और ये आपका, प्लीज एंजॉय। धन्यवाद बेटा। शादी में अब मजा आ जाएगा। 4 दिन में शादी होने वाली है, व्रत क्यों रखा? मन्नत मांगी थी। किस बात की मन्नत? जाओ खाना खाओ। क्या हुआ, सुना नहीं तुमने? खिलाओ उसे। सब लोग आ गए ना? आ गए भैया। नमस्ते अंकल। कैसी हो बेटी, ठीक हो ना? ठीक हूँ अंकल। तुम्हारे सारे दोस्त आ गए बेटा, तुम ही लेट हो गई। अच्छा, हाय आंटी। कैसी हो बेटा? आई एम फाइन। हाय, कैसी है तू? ठीक हूँ। बद्री नहीं आया? वो देखिए ना, आ रहे हैं। आंटी, ये बहुत गलत है। हाँ, अमेरिका से रिश्ता आया
तो आपको इतनी जल्दी हो गई? थोड़ा टाइम लेकर करते ना। हमें भी तो इसकी शादी के लिए कितनी तैयारियां करनी है। बेटा अब तुम आ ही गई हो ना, अब तुम ही देख लो इसे क्या क्या चाहिए। ओके। मुझे कुछ नहीं चाहिए, जैसी आपकी मर्जी हो कर लीजिए। ए प्रीति क्या हुआ? ये जो कह रही है चाची जी उसके लिए मना कर रही हैं। ये अपने दोस्तों को बुलाना चाहती थी तो मना कर दिया, कहती है अब टाइम नहीं बचा, बुलाना था तो पहले बताती। मुझे बताइए, एड्रेस ढूंढकर मैं खुद ही ले आऊंगा। कल प्रीति को फूल चाहिए क्योंकि उसे कल माता के मंदिर जाना है। अब इतनी दूर से इतने कम समय में फूल कौन लेकर आएगा? साड़ी लाने के लिए भी परमिशन नहीं दे रही हैं चाची जी, भगवान जाने आगे क्या होगा। गुड्डा गुड्डी की शादी के लिए भी इसे पंडित, साड़ी, खाना सब कुछ चाहिए होता था, और इसके खुद की शादी के लिए कुछ भी नहीं। तू रिलैक्स कर यार, मैं हूँ ना, सब देख लूंगी। करेक्ट नेत्रा, शादी का मतलब देखने वालों को अच्छा लगना नहीं बल्कि करने वालों को याद रहना चाहिए। लेकिन ये उतना आसान नहीं है, माता जी की चुनरी और साड़ी लेने के लिए दूसरे गांव जाना पड़ता है जो मंदिर से बहुत दूर है। दादी पास के गांव में रहती है, हमें तो उनका पता भी नहीं है, तुम कैसे ढूंढोगे? डोंट वरी गर्ल्स, जहां चाह है वहां रहा है। नेत्रा हम दोनों मिलकर सारे काम पूरे करते हैं, कम ऑन गो एंड गेट रेडी। हाँ? इधर आओ बेटा। ये लड़की सुनती ही नहीं है, कितनी बार कहूँ उनके साथ मत खेला करो, चलो। अरे ये क्या काका, बच्ची है खेलने दो। ये यहाँ काम करती है बेटा, इसकी माँ अभी अभी मरी है, काम छोड़कर अगर खेलती रहेगी तो वो लोग घर से निकाल देंगे इसे। मास्टर मैं भी आ रहा हूँ। अरे वो मुझे नेत्रा ने ही बुलाया है। देखिए हम लोग बाइक पर जा रहे हैं, ट्रिपल सीट मुश्किल है। एक काम करते हैं, मैं बाइक ड्राइव करूंगा, नेत्रा मेरे कंधे पर हाथ रखकर बैठेगी, तुम भागते हुए पीछे आ जाओ। गुड आइडिया। हेलो ए, एक कव्वे जैसा आदमी कलरफुल शर्ट पहनकर बाहर आ रहा है, उसे नंगा कर दो। कौन है तुम? मेरा नाम नवाज है। मेरा नाम शरीफ। मुझे कुछ मत करो, ये लो अंगूठियां, वॉच, फोन, पर्स। हम तुझे दिखाई दे रहे हैं क्या? मास्क पहना है, कैसे नजर आओगे? ओए चिरकोट, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, जल्दी से अपने कपड़े उतार, समझा? कपड़े किस लिए? तेरे कपड़ों का डिजाइन पसंद आया। कपड़ों के साथ साथ चड्डी तो नहीं मांगोगे? इतने घटिया लोग नजर आ रहे, चल निकाल जल्दी, फौरन निकाल। वो यहीं पर पास में है। अरे तुम्हारा बद्री, कहा तो था कि आएगा, पकड़ा गया। बद्री जी कहाँ हो? वेटिंग। मैं नहीं आ रहा, तुम लोग जाओ। सर सुनाई नहीं दे रहा है, थोड़ा बाहर आकर बात कीजिए। यहाँ सिग्नल नहीं है, तुम लोग जाओ। कहाँ चला गया? कोई बात नहीं, हम लोग चलते हैं। अच्छी बात है बेटा, प्रीति के शादी के दिन माताजी की चुनरी हम रेडी रखेंगे। बेटी आरती। भैया रानी का घर कहाँ है? वो सामने लेफ्ट में ही रहती है। ओके थैंक्स। हाँ ठीक है। रानी नाम है, अभी अभी शादी हुई है उसकी। ओह माय गॉड लड्डू, शौर्य शौर्य विल हैव सम, दो दीजिए ना। मुझे नहीं चाहिए। क्यों? सारे लोग कहते हैं अभी मैं भीम जैसा दिखता हूँ, अगर इसी साइज को मेंटेन किया तो मेरी पसंद की लड़की मुझे नहीं मिलेगी बोलकर मेरी दीदी मुझे डांटती है, इसलिए स्वीट्स बैंड। शौर्य कोई भी लड़की एक लड़के में उसका कैरेक्टर देखती है, पर्सनालिटी नहीं देखती। सो हैव इट। नहीं नहीं सुनो, तुम्हारी पसंद की लड़की तुम्हें जरूर मिलेगी, ये लो।
दादी कैसी हैं आप? मैं नेत्रा। प्रीति और मैं गुड्डा गुड्डी की शादी के लिए आप ही से कपड़े लेते थे, याद नहीं आपको? हाँ हाँ, याद आया बिटिया। प्रीति की शादी की साड़ी कहाँ है? मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए उसे बना नहीं पाई बिटिया। ओ, लेकिन कल तो प्रीति की शादी है। मेरी यहाँ मदद करने के लिए मेरा बेटा भी नहीं है। हम है ना माँ जी, हम मदद कर देंगे। हम करेंगे, चलिए। टुकुर टुकुर ताके ये एक दूजे को प्यार हुआ है, इन्हें देखो। हे शुरू शुरू प्यार हुआ है, इनमें तो कितने हैं खुश ये आज दोनों। हे दिल से मिले हैं दिल देखो, आंखें मिली हैं आज देखो, कितनी है सुंदर जोड़ी देखो, नजर लगे ना कहीं इनको। दिल हुआ बेकरार, ऐसा हुआ पहली बार, आंखों में हुआ इकरार, मुझे भी प्यार हुआ, दीवाना मैं प्यार में होने लगा, यार का प्यार हुआ, नशा सा मुझ पे भी प्यार का छाने लगा। देखो देखो मेरा प्यार कितना प्यारा, दिलदार, दिल का क्या मैं जा भी निसार दूं। गोर 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 गाल, इसकी सादगी कमाल, चेहरा मैं दिल में उतार लूं। ऐसी है कोई ना, ऐसी है मासूम कोई ना, ये है बेमिसाल, ये है लाजवाब, इसे सुंदर कोई ना। मैं हूँ फिदा, हाँ मैं हूँ फिदा, कसम से मैं तो फिदा, चाहूँ सदा, मैं चाहूँ सदा, दिल से मैं चाहूँ सदा। प्यार हुआ दीवाना, मैं प्यार में होने लगा, यार का प्यार हुआ, नशा सा मुझ पे भी प्यार का छाने लगा। देखो देखो मेरा प्यार कितना प्यारा, दिलदार, दिल का क्या मैं जा भी निसार दूं। गोर 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 गाल, इसकी सादगी कमाल, चेहरा मैं दिल में उतार लूं। सजना, मैंने देखा इसी का सपना, इसके ही अंगना मुझे है जाना, साथ में रहना संग जीना, लागे नैना है लागे नैना, लागे तुझसे नैना, तेरे बिना माही तेरे बिना एक पल ना जीना। प्यार हुआ दीवाना, मैं प्यार में होने लगा, यार का प्यार हुआ, नशा सा मुझ पे भी प्यार का छाने लगा। देखो देखो मेरा प्यार कितना प्यारा, दिलदार, दिल का क्या मैं जा भी निसार दूं। गोर 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 गाल, इसकी सादगी कमाल, चेहरा मैं दिल में उतार लूं। One minute. क्यों? Please, one minute.
क्या है? पर्सनल। मुझे सब पसंद नहीं। प्लीज आओ ना। कहो। प्रीति बाहर खड़ी है। हाय। क्या हुआ? उसने दुर्गा माँ के मंदिर जाने की मन्नत मांगी थी। शादी से पहले 11 परिक्रमा करेगी ऐसा बोला था, लेकिन अब उसकी माँ ने उस बेचारी को वहाँ जाने से मना कर दिया। आंटी ने मना किया है, मतलब कोई तो कारण होगा ना? That's okay, नेत्रा, लेकिन प्रीति बेचारी रो रही है। बेस्ट फ्रेंड होने के नाते तुम ही कुछ करो ना। मैं क्या कर सकती हूँ? कल सुबह अगर तुम प्रीति को वॉकिंग के बहाने बाहर लेकर आओ तो सबके उठने से पहले हम लौट कर आ सकते हैं। तुम दोनों भी तो जा सकते हो। अगर हम दोनों जाएंगे तो सबको डाउट होगा, वही अगर तुम्हारे साथ जाएगी तो किसी को डाउट नहीं होगा। मेरे साथ? नेत्रा, प्लीज नेत्रा। ओके, थैंक यू। कल सुबह 4 बजे। ओके ओके, गुड नाइट, बाय। हेलो, मैं बाहर ही हूँ, जल्दी आओ ना। ओके चलो। ए, मेम साहब है, आप जाइए। मैडम, नींद नहीं आ रही, वॉक करने जा रहे हैं। मुझे सब कुछ पता है, नेत्रा और प्रीति को मंदिर मैं ले जाऊंगा, गाड़ी से उतरो। देखिए, आप इस गांव के नहीं हो, टाइम नहीं है, जरा समझा करो, और रास्ते भी आपको पता नहीं है। ओ रियली? हाँ जी सर, शकुन हो रहा है सर, यहाँ आपकी बेटी को शौर्य बाहर लेके जा रहा है। चुप रहो, चुप रहिए, क्या कर रहे हो? मैं जाऊं या चिल्लाऊं? भैया का फोन है। अच्छा, हेलो। आई एम नॉट ए फूल। कौन है बे? सॉरी, माफ कीजिए। नवाज जी, शरीफ जी, सर, चलो चलो सर। नवाज जी, शरीफ जी, मुझे मेरा नाम कैसे पता चला बे? आपका नाम बदनाम बदनाम हो रहा है। बदनाम बदनाम? क्या, कौन, किसका, किधर, कब, बोल। बाप रे, बोल बोल रे बोल। वो क्या है ना कि सुन बे, उसको काट काट कर रख दूंगा, उसको नंगा करके पूरे गांव में घुमाऊंगा। ये हुई ना बात सर, यही सही है। वो किधर से आता है? किधर से? किधर से मतलब वो हमेशा यहीं से आता है। चलो चलते, यही से आते हैं सर। सर अच्छा, आइए सर, आज कैसे भी करके मार देना है। चलो, बुलाओ उसको। अरे नवाज, ओए शरीफ, हिम्मत है तो बाहर निकलो। इस बार मेरे शरीर पर से कपड़े ही नहीं, मेरी जेब से रुमाल भी नहीं ले जा सकते। भगवान, नवाब साहब, शरीफ साहब। अबे अबे सुन। रुकिए सर, मारना नहीं, समझ गया। बहुत पावरफुल देवी है, आओ ना। आप भगवान में विश्वास नहीं करते? करता हूँ ना, लेकिन मांगने के लिए कुछ है नहीं। मैं अपने पापा से बहुत प्यार करता हूँ। पढ़ाई ना करने की वजह से वो बिजनेस में धोखा खा गए। वो हमेशा मुझसे एक बात कहा करते थे कि तुझे 1 यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, उसके बाद एक अच्छा जॉब करके महान बनना है, जो मैं नहीं कर सका वो तुझे करना है, ऐसा हमेशा बोलते थे। उसके बाद बहुत मेहनत करके मैंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप से पढ़ाई की, और फाइनल ईयर के एग्जाम के वक्त पापा की मौत हो गई। उसके बाद मेरा लाइफ में कोई पर्पस नहीं रहा। जब वो ही नहीं रहे तो इन सब का क्या फायदा? नेत्रा आओ ना। नेत्रा, वेरी स्पेशल सारी मैंने और माजी ने मिलकर पूरे दिन मेहनत करके बनाई है। जब तुम बेस्ट मूड में रहोगी, प्लीज वेयर इट। थैंक यू। प्रीति, 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 शौर्या, कम फास्ट, फास्ट, प्रीति, प्रीति, प्रीति।
जल्दी थैंक्स, आराम से जाओ। चलो चलो बाय बाय, हैप्पी जर्नी। वो बाहर गई और तुम्हें पता तक नहीं है? मैं उसे वॉक करने के लिए बाहर ले गई थी। प्रीति की कोई मन्नत पूरी नहीं हुई थी इसलिए वो दुखी थी। मुझे शौर्या ने कहा था कि मैं उसे मंदिर ले जाऊं। शौर्या, वो कौन है? वो आपका रिश्तेदार है। उस नाम का हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है। ये क्या अंकल, मुझे रिसीव करने के लिए आपने उसे भेजा था और आप ही तो उसे बेटा बेटा कह के बुलाते थे। हमें नहीं पता, दारू और पत्ते देकर चाचा चाचा कहता था तो हमने भी उसे बेटा कह दिया। सारी गलती इसकी है। सब मेरे सर पर डाल रहा है। वैसे भी जब एक अनजान आदमी हमारे घर में घूम रहा था तो तुम क्या कर रहे थे? आपने कहा था वो लड़की किसी के साथ आ रही है, मैंने सोचा ये लड़का उसी के साथ आया होगा। कैसे सोच सकते हैं जी, कैसे सोच सकते हैं, वो साथ में आया था। मतलब तुम ड्राइवर नहीं हो? वो कौन है किसी को पता नहीं है, हमारे घर में आकर हमारी लड़की को लेकर चला गया। उसे इस घर में लेकर आने वाली तुम हो। मेरी बेटी उसके साथ भाग गई, इसकी जिम्मेदार तुम हो। मेरी इज्जत को सड़क पर उछालने वाली भी तुम ही हो। कसम खाकर कहता हूँ इस जन्म में तुम्हारी शादी कभी नहीं होने दूंगा। सॉरी अंकल। चाहे जितना भी खर्चा हो ढूंढो उसे, अगर वो शौर्य और प्रीति कहीं भी दिखाई दे तो खींच कर लाओ। पहले पुलिस कंप्लेन करते हैं भाई, फेसबुक ट्विटर पर भी डालते हैं, नेत्रा और प्रीति का फोन भी टेप करते हैं, देखते हैं कहां तक छुपेंगे वो लोग। आखिर वो है कौन? सर सर, केस को क्राइम ब्रांच में शिफ्ट कर रहे हैं, सीआई कृष्ण प्रसाद इंचार्ज है। कौन वो? वो कृष्ण प्रसाद नहीं, मेंटल प्रसाद है। कितना टाइम लगा? 52 सेकंड सर। 52 सेकंड। जब तुम बाहर थे मार्केट से सब्जियां लाने से पहले ही तुम्हारी बीवी ने फांसी लगा ली थी। तुम्हारे खिड़की से देखकर रोकने के बाद उसने स्टूल को धक्का दिया और तुम्हारे दरवाजा खोलकर अंदर आने से पहले ही वो मर चुकी थी, यही कहा था ना? हाँ सर। इसका मतलब ये है कि तुम्हें दरवाजा खोलने में कम से कम 15 सेकंड लगे। मैंने फांसी लगाई और उस पर झूलता रहा तकरीबन 52 सेकंड। तो बचे बीच के 37 सेकंड तुमने क्या किया? उसके मरने का इंतजार कर रहे थे? खुद ही मार कर स्टोरी क्रिएट कर रहा है। अरेस्ट हिम। सबको हैरत अंगेज करने वाले नेत्रा के केस में बात करने के लिए सिंसियर कांस्टेबल कन्हैया लाल आ रहे हैं। कन्हैया लाल जी, बताइए शौर्या ने ये सब क्यों किया होगा? जूम जूम। एक साधारण इंसान ने किसी का मर्डर क्यों किया? उस घटना के होने के बाद होने वाले डिस्कशंस, असम्पशंस, डेल्यूशन, क्रिएशन, एक्सपेक्टेशन द्वारा आने वाले रिएक्शन से उसके इंटेंशन का पता। ए, क्या ये फिजूल की बातें बोल रहे हैं? डेंसिटी ऑफ इमोशन के डिफरेंस के कारण ये घटना घटी। अरे आई गॉट इट। पक्का ये मर्डर शौर्य ने ही किया है। तुमने देखा, कोई आकर गला काट दे और बाजू वाले को पता ना चले कैसे हो सकता है? गला काटने वाला उसके बगल में क्यों सोएगा? नींद आ रही होगी, सो गया। वैसे तू कौन है रे? आप कौन है साहब, मुझे मार रहे हैं? हथियार नहीं मिला, इसका मतलब मारने वाला हथियार छुपाने के बाद उसके बगल में आके सो गया। वो क्या है साहब, पहली बार पुलिस स्टेशन में एक नया केस आया है, टीवी में दिखूंगा तो फ्री में पब्लिसिटी मिल जाएगी, यही सोचकर। इसे पब्लिसिटी चाहिए, आपको कंट्रोवर्सी चाहिए। इसकी औकात ही क्या है जो आप इससे पूछ रही हैं? आपका काम है न्यूज बनाना, व्यूज नहीं, प्लीज। नमस्कार सर। नमस्कार श्रीनिवास जी, अभी तक रिटायर नहीं हुए? ऐसे क्यों पूछ रहे हैं सर, अभी तो बहुत काम करना है। इतना पैसा कमाने के बाद और क्या काम करेंगे? पैसों के लिए नहीं, रिटायरमेंट से पहले परमवीर चक्र लेना चाहता हूँ मैं। हाँ। परमवीर चक्र सर, शहीदों को मिलता है। हा? वो भी मिलिट्री में। हा? ये कौन है? मलेश नाम का गुंडा, रात में नेत्रा को मारने के लिए मंदिर गया था, उसका फोन बंद है, सारा गैंग फरार हो गया, ये अकेला ही हाथ लगा। वो फाइल देना। ये लीजिए। अटेम्प्ट टू मर्डर केस। उस लड़की के बगल में रहने का मतलब उसी ने मारा है?
वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इस बात को पूरा गांव जानता है। मुजरिम को सजा दिलवाना जितना इम्पोर्टेंट है, बेगुनाह को बचाना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। मैं पूछता हूँ उसे। वो कुछ नहीं बताएगा सर। कैसे नहीं बताएगा देखता हूँ। आने दो उसे। तुम इंसान ही हो ना, हाँ? कोई इस तरह मारता है? कितने पैसे लिए? तुम्हें पैसे किसने दिए? ये मेरा स्टेशन है, जैसा चाहूं वैसा करूंगा। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो कंप्लेंट कर दो। नेत्रा मेरे दोस्त की बेटी है, मेरे हाथों में पली बड़ी मेरी बेटी जैसी है। गलती करने वालों को छोड़कर ना करने वालों को फंसा कर केस क्लोज करने की कोशिश की तो भेजा उड़ा दूंगा। डॉक्टर को लेकर आओ। यस सर। इसके घर वालों को बुला कर लाओ। ठीक है सर। सर मेरा भाई बेकसूर है सर, उसे कुछ नहीं पता सर। आप इस गांव के नहीं हैं। दोनों ने साथ में पढ़ाई नहीं की, लेकिन आपका भाई नेत्रा को जानता है। वो दोनों कहां मिले और कैसे प्यार हुआ बताइए। अंदर ले अंदर, उल्टा सीधा खा खा के पेट बढ़ा लिया है, चुपचाप इसे पहन ले। इतनी छोटी कमीज लाने से तो अच्छा था किसी भिखारी की कमीज ले आती। तेरी उम्र 10 साल कम दिखे, इसलिए 20 साल के लड़के की कमीज लेकर आई हूँ। जब लड़के वाले नेत्रा को देखने आ रहे तो मैं रेडी क्यों हूँ? हे भगवान, इसकी उम्र बढ़ गई, अकल नहीं। कम से कम पैसे वाली नेत्रा से शादी कर ले तो हम दोनों सेटल तो हो जाएंगे, वरना हम दोनों को जिंदगी भर भीख मांगनी पड़ेगी। अंदर कर, अंदर कर। नाम का साला है, लेकिन हमारे घर का बड़ा यही है जी, सबसे सयाना, सबका भला चाहने वाला। इसके बताने से पहले हमें इस रिश्ते का आइडिया ही नहीं आया। ये तो हमारा सौभाग्य है, इतनी कम उम्र में ही आपका बेटा इतना बड़ा बिजनेस संभाल रहा है। क्या बिजनेस है बेटा? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स और ऐप डेवलप कर रहा हूँ अंकल। हाँ, इतना अच्छा तो बिजनेस है, अब और क्या चाहिए? आजा बद्री आजा, कप प्लेट उठा के ले जा। अरे वो हमारा नौकर नहीं, हमारा रिश्तेदार है। सॉरी बेटा, कपड़ों से तो तुम नौकर ही लग रहे थे। इट्स ओके। कपड़े नहीं है जो बच्चों के कपड़े पहन के आ गए। अब चुप बुड्ढे। क्या हुआ बेटा? नौकर समझ लिया। हाँ? अब बच्ची को ले आओ। हाँ। वेरी स्पेशल सॉरी बेटा। नेत्रा। हाँ, हाँ, आ रही हूँ। ठीक है ना सर, लड़की को लड़का पसंद है, लड़के को लड़की पसंद है, और रही बात मुहूर्त की तो नेत्रा के फाइनल एग्जाम होने के बाद ही रख देते हैं। ठीक है ना जीजू, फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद रिश्ता पक्का कर सकते हैं ना। अब ये सब क्यों? अरे जीजू, पहले ये सब अजीब लगेगा लेकिन जिंदगी भर के लिए अच्छा रहेगा। हाँ। आइए। देखिए बात यह है कि आपकी बड़ी बेटी किसी और के साथ भाग गई, वो तो आएगी नहीं, अगर आएगी तो आप उसे स्वीकारेंगे नहीं, मतलब सारी जायदाद छोटी बेटी की ही है ना? जी हाँ। यानी हमारे बेटे की है, अब सारे जायदाद की मालकिन हमारी बहू होगी और हम आपके मरने का इंतजार करेंगे, ये सही नहीं है ना? रुको। इसीलिए पहले कितना मिलेगा और बाद में कितना आएगा अगर ये तय हो जाए तो अच्छा लगेगा। और दूसरी बात, पिछले इलेक्शन में आप एमपी के और आपका भाई एमएलए की सीट पर हमारे एरिया से खड़े हुए थे और हमारे सपोर्ट ना होने की वजह से ही आपका भाई हार गया था। अब इस रिश्ते की वजह से हम आपको किसी तरह का पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं दे पाएंगे, वो इसलिए अगला एमएलए चुनाव मैं खुद लड़ रहा हूँ। तुम किससे बात कर रहे हो पता है? सब पता करके ही तो आया हूँ। देखिए सर, आज नहीं तो कल सारा पैसा आपको अपनी बेटी को देना ही होगा। रही बात पॉलिटिक्स की तो छोटा सा त्याग है, करना पड़ेगा। वो तो ठीक है लेकिन आप क्या बात कर रहे भैया, ये शादी करने आए हैं बिजनेस करने, उन्हीं से पूछता हूँ। एक मिनट, मेरे जीजा मेरी बात को कभी नहीं टालते, टाल ही नहीं सकते, बाकी आपकी मर्जी। आप जैसा कह रहे हैं हम वैसा ही करेंगे, मेरी बेटी की खुशी मेरे लिए जरूरी है। तो और क्या चाहिए, रिश्ता पक्का? जीजू सब फाइनल है, लड़के का रिश्ता पक्का कर दो।
अगर वो नहीं आता तो नेत्रा मुझसे ही शादी करती। अरे बदरी, गोबर अभी तक वहीं पड़ा है, चलो चल कर उठाओ। गोबर नहीं, तेरी अर्थी उठाऊंगा, चल। हाँ, रिश्ता पक्का कर लिया है। पहले 30% जायदाद देंगे और 1 साल के बाद उसे मार दें तो बची हुई जायदाद हमारी हो जाएगी। हमारी शर्त को सुनकर सत्यमूर्ति का चेहरा देखने लायक था। ठीक है, रखता हूँ। भाई, काम हो गया है। मैं अपनी पॉलिटिकल लाइफ के लिए किसी की भी बलि चढ़ा सकता हूं, इडियट। नेत्रा, वो शौर्य मिल गया, ये देखो। क्या चाहिए बताओ नेत्रा, उसकी जान ले लूं या अपाहिज कर दूं? पहले गाड़ी निकालो बद्री। इफ यू हैव एनी डाउट आस्क मी, ओके? नोट इट डाउन। कैसे इंसान हो तुम? क्या किया प्रीति के साथ? शादी से 2 दिन पहले दुल्हन को भगाकर ले जाने से उसके घर वालों की क्या हालत होती है जानते हो? प्रीति के लिए आंटी मुझे लाख बार कॉल कर चुकी होंगी। तुम्हारे जैसे इंसान को मैंने क्या समझा? चलो दिखाता हूँ। क्या दिखाता हूँ? चलो ना। मैंने ही तुझे पकड़वाया है। बद्री तुम यहीं रहो, मैं आती हूँ। उसके साथ? प्लीज गेट इन। वहां देखो, प्रीति के पेरेंट्स यहाँ? गांव में बेइज्जत होने की वजह से यहाँ शिफ्ट हो गए और धीरे धीरे सब कुछ भूल जाएंगे। उनकी बेटी जहां भी होगी वो अपने प्रेमी के साथ खुश होगी, ऐसा सोच रहे हैं। कल प्रीति अपने बेटे या बेटी के साथ आएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये गुस्सा, बदला, नफरत, सब कुछ भूल जाएंगे। वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। प्यार से बड़ी कोई चीज नहीं नेत्रा। पसंदीदा दामाद ना मिलने का दुख टेम्पररी है, लेकिन पसंदीदा पति ना मिलने का दुख परमानेंट है। इसलिए मैंने प्रीति की मदद की। अगर अभी भरोसा ना हो तो प्रीति से खुद पूछ लो। हेलो प्रीति, एक बार नेत्रा से बात कर लो। हेलो प्रीति। हे, वेरी सॉरी यार, तुझे बताने से डर लग रहा था। तूने कहा प्यार करना गलत नहीं, घर वालों को मनाना पड़ेगा, लेकिन वो कभी नहीं मानते, इसलिए मैं डर गई थी। शौर्य बहुत अच्छा लड़का है और समझदार भी। He is very emotional. And you know, he likes you so much. जब हम तुझे वहाँ छोड़कर भागे थे तो मेरे साथ उसे भी बहुत दुख हुआ था। मैं जानती हूँ तू शौर्य को गलत समझ रही होगी, इसलिए तुझसे बात करना चाहती थी। अगर शौर्य मेरी मदद नहीं करता तो ये शादी नहीं होती। शौर्य दिल का हीरा है, तुझे प्यार करता है। कौन है? नेत्रा। सुनो नेत्रा, अगर मैं फोन करती तो पापा को पता चल जाता, इसी डर से मैंने तुझे फोन नहीं किया। यही मेरा घर है, 2 मिनट का काम है, होते ही चलते हैं। हे, हाय बेटा। हाय। हाय दीदी। हाय। निशा के पेरेंट्स नहीं है और अंकल के बच्चे नहीं है, इसलिए ये। नेत्रा,
प्लीज कम। ये मेरे पति दुबई में रहते हैं और मेरे बच्चे। हाय हाय। और ये नेत्रा है। हाय नेत्रा। तुम मुझे नहीं जानती लेकिन मैं तुम्हें जानती हूँ। वो मुझे सब कुछ बताता है। ये क्या है? हाँ? सौर्य बहुत सेंसिटिव है नेत्रा। जितनी जल्दी वो पास आता है उतनी ही जल्दी वो दूर भी हो जाता है। जब हमारे पापा की मौत हुई तो सौर्य के फाइनल एग्जाम चल रहे थे। अगर मैं उसे बता देती तो एग्जाम नहीं दे पाता। जब उसे पता चला तो उसने मुझसे 2 साल बात नहीं की। पहले वो अपना बिजनेस करना चाहता था लेकिन पापा के जाने के बाद बिजनेस करना जैसे वो भूल ही गया हो। उसके यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स, फ्रेंड्स कहते हैं तू हमारे पास यूके आजा, हम सब देख लेंगे। मैं कह कह के थक गई हूँ लेकिन मेरी बिल्कुल नहीं सुनता। क्या हुआ दीदी? कुछ नहीं, तुम लोग बातें करो, मैं अभी आती हूँ। दीदी क्या कह रही थी? नमस्ते जी। तुझे शर्म नहीं आती? दशहरा दिवाली पे बख्शीश लेके जाता है लेकिन वक्त पे कोई काम नहीं करता है। ये कचरा तेरा बाप उठाएगा, चल उठा इसे। बेकार की जिंदगी। तुम पे ये बहुत अच्छी लगेगी, प्लीज वेयर इट। था प्यार तुमसे ही होना, तेरा था दिल तुमको ही देना। मैं आया दुनिया में तेरे लिए, मुझे तेरा ही होना। जाना मेरे दिल तुम्हें लेके जाना, होता है प्यार में दिल क्यों दीवाना। तेरे संग प्यार में लगने लगा, हर मौसम सुहाना। तेरा ही लेता है नाम दिल, तेरे ही ख्वाब देखूं। प्यार तुमसे ही होना, देना था दिल तुमको ही देना। मैं आया दुनिया में तेरे लिए, मुझे तेरा ही होना। चाहत मैं करूं तू ही मेरी हर ख्वाहिश में। होना था प्यार तुमसे ही होना, देना था दिल तुमको ही देना। मैं आया दुनिया में तेरे लिए, मुझे तेरा ही होना। आशिकी
है ये ही मेरी तमन्ना, लू जन्म जब भी मिले प्यार तेरा, होना था प्यार तुमसे ही होना, देना था दिल तुमको ही देना, मैं आया दुनिया में तेरे लिए, मुझे तेरा ही होना, तेरा ही लेता है नाम दिन, तेरे ही ख्वाब देखूं, मेरी सांसों में है तू शामिल, मैं तेरे ही ख्यालों में खोया रहूं। नमस्ते सर। कौन हो तुम? इलेक्ट्रिशियन सर, गीजर के लिए कॉल किया था तो आ गया। ठीक है, अंदर जाकर देख लो। जी सर। तू यह क्या कर रहा है? नेत्रा का रूम कहाँ है? तुझ में इतनी हिम्मत एमपी के घर आकर एमपी की बेटी का रूम कहाँ है पूछ रहा है तू? अभी उनसे बोलता हूँ, रुक। अगर पूछा कि तुम्हें कैसे पता है तो बोलूंगा कि मुझे पहले से पता है। और बोले इतने दिन क्यों नहीं बताया तो बोलूंगा हाँ नहीं बताया। मेरे साथ तुझे भी मार देंगे। नमस्ते सर। कौन है ये? इलेक्ट्रिशियन है बड़े भैया। जाकर दिखा दो। चलो। हाय शौर्या, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी भेजो नहीं तो मैं तो गया समझो। ए तू कहाँ जा रहा है? कोई ना आए इसका ध्यान रखना। शौर्या तुम यहाँ क्यों आए? यहाँ के लोग तुम्हें मार देंगे। ओहो, क्यों इतना टेंशन ले रही हो? कुछ नहीं होगा। अगर यहाँ का काम हो गया तो ऊपर चले जाओ, एसी में प्रॉब्लम है। ठीक है सर। Have you gone mad? पता भी है तुम कर क्या रहे हो? I got the patent. ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था, बहुत मेहनत की है। पापा के जाने के बाद इसे छोड़ दिया था, बाद में तुम्हारे दिए इंस्पिरेशन की वजह से ही मैंने वापस शुरू किया है। अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं कुछ भी पा सकता हूँ नेत्रा, देखती रहना। 2-3 महीनों में बिजनेस भी स्टार्ट करूंगा, उसके बाद तुम्हारे पेरेंट्स भी हमारी शादी के लिए बिना किसी प्रॉब्लम के मान जाएंगे। पापा, इसका नाम शौर्य। पहले ही सगाई हो चुकी है। पता है चाचा, इसलिए मैंने सोचा टाइम देखकर आपको बताऊं। टाइम देख के बताओगे? कब? शादी के दिन या शादी के बाद? सॉरी सर, मेरा नाम शौर्य है। हार्डवुड में मैंने एमफार्मेसी की है, अभी दीदी के साथ। पहले ये बताओ जात क्या है तुम्हारी? सर कास्ट क्या है? मैं यादव हूँ सर। ये विरोधी जात वाला है, किसी को पता चला कि ये इसके साथ घूम रही है तो एक भी वोट नहीं मिलेगा। तो चुप कर, मैं बात कर रहा हूँ ना। क्या बात करेंगे? इसकी शादी इससे करवाएंगे क्या? तो फिर और क्या करूं? बड़ी बेटी को मना किया तो वो घर छोड़कर चली गई, अब इसे तो नहीं जाने दूंगा ना। इन्हीं हाथों में पालकर बड़ा किया है इसे। देखो बेटा, तुम्हारी सगाई हमने किसी छोटे परिवार में नहीं की है, बहुत सोच समझ कर ये सगाई कैंसिल करनी पड़ेगी। अगले महीने पंचायत के इलेक्शन है, उसमें अगर हमारे कैंडिडेट को जीतना है तो उनके साथ बड़ी इज्जत के साथ पेश आना होगा। मेरे लिए शिवरात्रि तक रुक जाओ बेटा, तब तक तुम दोनों ध्यान रखना कि एक दूसरे से मत मिलो, उसके आगे मैं देख लूंगा। मेरा विश्वास करो, तुम दोनों की शादी करवाने की जिम्मेदारी मेरी। ठीक है पापा, जैसा आपने कहा शिवरात्रि तक हम एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। बस सर, उसके बाद वो दोनों कब मिले मुझे कुछ नहीं पता, बस फोन पे बात करते थे। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और घर वालों ने कहा था शिवरात्रि के बाद शादी करवाएंगे, वहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसके बाद उस पर अटैक किसने किया, इसका जवाब सिर्फ नेत्रा दे सकती है। सर, हॉस्पिटल से फोन आया है, नेत्रा की मौत हो चुकी है। नेत्रा की मौत हो गई? यस सर, 5 मिनट पहले। मरने से पहले उसने एक पेपर पर 635 नंबर लिखा था। सर सर,
नेत्रा की मौत हो गई सर। नेत्रा, नेत्रा, शौर्य, नेत्रा, नेत्रा, छोड़ो मुझे, नेत्रा, शौर्य, मरने से पहले उसने एक पेपर पर 635 नंबर लिखा था। इसी का बेटा था जो नेत्रा के पीछे पड़ा हुआ था, उसी केस में वो एक हफ्ता जेल में था। क्यों रे, तेरे बेटे ने आत्महत्या क्यों की? जब ये बेल लेकर नहीं गया तो उसने आत्महत्या कर ली सर वहीं पे। मतलब नेत्रा को इसी ने मारा होगा? मैं कुछ नहीं जानता सर। नहीं जानता तो भाग क्यों रहा था? तेरे बैग में गन है? हे भगवान, नेत्रा की फोटो तेरे बैग में क्या कर रही है? चल शौर्य को, शौर्य को, कृष्ण प्रसाद, कृष्ण प्रसाद। सर, सर, नेत्रा को छेड़ने के लिए एमपी सत्यमूर्ति ने मेरे बेटे को जेल में डाल दिया था सर, इसलिए उसने जेल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली सर। मैं उसकी बेटी को मारना चाहता था लेकिन उससे पहले किसी और ने मार दिया सर। कृष्ण प्रसाद। सर, सर, सूर्या को कोर्ट में ले जाना संभव है सर, उस पर पब्लिक अटैक कर सकती है, उसे मारने पब्लिक बाहर खड़ी है। इन्हें लेकर जाओ, तुम मेरे साथ आओ। तुम लोगों ने हमारे एएसआई की गन छीन कर उन्हें मारा, उसकी वजह से वो मर भी सकते हैं। अगर तुम लोग बचना चाहते हो तो फौरन यहां से रफा दफा हो जाओ, वरना अब गोली हवा में नहीं तुम्हारी छाती पर लगेगी। सॉरी श्रीनिवास जी, शौर्य को बचाने में आप घायल हो गए, ऐसी रिपोर्ट लिख दूंगा, आपको अवार्ड जरूर मिलेगा। अवार्ड नहीं चाहिए सर, उस लड़के को बचा लीजिए। प्रोसीड। मैडम, इस केस के बारे में बहुत सारी इंक्वायरी करनी पड़ेगी, आरोपी भी बहुत लोग हैं, सो आई रिक्वेस्ट यू टू सैंक्शन द जुडिशियल कस्टडी ऑफ द अक्यूज्ड। इसकी कोई जरूरत नहीं है सर, किसी इंक्वायरी की जरूरत नहीं है, नेत्रा का गला मैंने ही काटा था। तुमने मारा है? क्यों? वो मुझे बहुत पसंद थी सर, इसलिए मार दिया। पसंद थी तो प्यार करते, उसे मारा क्यों? अब तक समझ में नहीं आया सर, ये आदमी बहुत बड़ा साइको है सर। विजयवाड़ा में राम राव, करीम नगर में कृष्णा, ये सब एक ही ब्याज के हैं सर। ए, उन लोगों से मुझे क्यों कंपेयर कर रहे हो? उन सब ने लड़की को चाहा और ना मिलने पर उसे मार दिया, लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ। अगर नेत्रा किसी से प्यार करती तो मैं खुद उसकी शादी करवाता। जब तू इतना महान है तो फिर क्यों मारा? ए, मैंने क्यों मारा बस यही पूछोगे, लेकिन उसने क्या किया ये नहीं पूछोगे। नेत्रा मेरी जान है, उसके लिए मैंने मेरे ड्रीम्स के साथ साथ सबको छोड़ दिया, लेकिन वो, मैंने ये एक काम एक बार नहीं 10 बार सोचकर किया है, उसे मारना ही सही था। देखा ना बाहर कितने दंगे हो रहे हैं, अब आप आगे क्या करेंगे? और क्या करेंगे, उसने खुद कबूल किया है, इनकाउंटर कर देते हैं। ए, दिमाग है या नहीं, किससे कैसे बात करते हैं पता नहीं, बोलने से पहले जरा सोचा करो, बाहर जाओ।
पहले क्राइम के सारे एविडेंस कलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद जजमेंट देंगे। इस वक्त वहाँ जाना ठीक नहीं होगा। बाहर जनता कितनी गुस्से में है देख रहे हैं ना, उसे बाहर ले जाने से उसकी जान को खतरा है। आई विल टेक केयर मैडम। अगर ये काम हो गया तो मामला ठंडा होने तक आपको उसे बाहर भेजने की जरूरत नहीं है। ओके, मैं आपके भरोसे उसे भेज रही हूँ, लेकिन मुझे कोई कंप्लेंट नहीं चाहिए। श्योर मैडम, आई विल टेक केयर ऑफ दैट। पहले अपने बॉस से कहो कि उस कृष्णा प्रसाद को आधे घंटे के लिए बाहर भेज दे, फिर मैं उसे मार दूंगा। ओके, सुपर आइडिया सर। उसके लिए आधा घंटा क्यों, 10 मिनट में हो जाएगा। ए, मुंह बंद करके निकल। सर मुझे भी कुछ करने दीजिए ना। ए, ये काम इतना आसान नहीं है। सर आप हाँ कहिए, इस भीड़ में ही उसे खत्म कर दूंगा। क्या इतनी पब्लिक के बीच? सर बैकग्राउंड में जितनी पब्लिक होगी मुझे उतनी पब्लिसिटी मिलेगी ना। अरे तू किस बारे में बात कर रहा है? उसी के बारे में सर। उसी बारे में मतलब किस बारे में? उसी के बारे में मतलब उसी के बारे में। और किसके बारे में? चैनल के बारे में। आप जहाँ भी रहते हैं आपकी टीआरपी बढ़ जाती है, पब्लिसिटी हो जाती है। मेरे कर्म फूटे हैं, मुझे कोई पूछता ही नहीं है सर। इसे पुलिस ने पकड़ लिया। सर चलता हूँ सर, बाय बाय। यादगिरी सर, इन्हें लेकर जाना है। इन चारों को वैन में बिठाओ एंड फॉलो मी। चलो ए, चलो चलो चलो। हाँ, चारों में शौर्या कौन है मुझे कैसे पता चलेगा? अगर हो सके तो वैन में उन चारों के साथ कृष्ण प्रसाद को भी मार दो, सारा मसला ही खत्म। हाँ सर, आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़ दीजिए सर। मुझे शौर्या समझ कर ये पब्लिक मुझे मार डालेगी सर। अगर तुझे पब्लिसिटी पाना है तो इतना रिस्क उठाना ही पड़ेगा। कपड़ा होगा तो पब्लिसिटी कैसे मिलेगी सर, मेरा चेहरा ही नहीं दिखेगा। चलो हटो हटो। क्या है इसमें, क्या है इस बैग में, क्या है? सर, 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 सर। मतलब तुम दोनों की शादी हो गई। नेत्रा 635 लिखकर मर गई। तुम कह रहे हो कि तुमने मारा है। फोटो से लगता है तुम्हारी शादी हो गई। क्या है ये सब? ठीक है पापा, जैसा आपने कहा हम शिवरात्रि तक एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। शौर्या रुको, शौर्या प्लीज मेरी बात तो सुनो। शौर्या, जब से मेरी दीदी अपने प्रेमी के साथ भागी है मेरी माँ टूट गई है। अगर मैं भी वही करूँगी तो वो सह नहीं पाएंगी। पापा ने शादी के लिए इनकार नहीं किया है शौर्या, शिवरात्रि तक रुकने के लिए कहा है बस। मुझे ये सब पता है नेत्रा, लेकिन अगर ये सब हमें अलग करने का प्लान हुआ तो, मिलना बंद करने के बाद अगर तुम्हारा मन बदल दिया तो? पापा के बाद मैं कभी किसी के इतना करीब नहीं हूं नेत्रा। तुम कहीं दूर ना हो जाओ इसका डर लग रहा है। हम दोनों रोज फोन पर बात किया करेंगे,
अगर इन लोगों ने मेरे साथ कोई जबरदस्ती की या मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी शादी तय की तो मैं तुरंत तुम्हें कॉल करूंगी, तुम आके मुझे ले जाना, ओके? देखो वैसे भी अब तुम अपने ड्रीम प्रोजेक्ट में बिजी हो जाओगे, हमारे वापस मिलने से पहले तुम्हें अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद अपना बिजनेस स्टार्ट करना होगा। ये दूरियां कैसे सहेंगे हम तुम, कैसे कहें अलविदा हम तुमको। ये भीगी आंखों का मौसम, ये तन्हाइयों का आलम, वक्त के ये फैसले हैं बेरहम। ये दर्द जुदाई का हम, हम कैसे सहेंगे हम दम, जाने कब होंगे फासले ये कम। ओ, 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 ये आशिकी ये जिंदगी किस मोड़ पे लाई हमें, तुम है कहीं हम है कहीं, अब कैसे हम जिए। ये कहानी रह जाए ना कहीं अधूरी कहानी। अंकल आओ बेटा, यूएसए कुछ कजन्स आए हैं, उन्हें नेत्रा से मिलवाना चाहता हूँ। बैठो बेटा, बुलाता हूँ, शिवरात्रि तक मेरे लिए मैनेज कर लो बेटा। लेकिन शौर्या को ये सब पसंद नहीं है पापा। और उसे क्यों बताओगी बेटा, सुनकर वो और दुखी होगा। मान जाओ बेटा प्लीज। ओ रहनुमा तू ही ये बता, और देने होंगे अभी कितने प्यार के हमको इम्तिहान, तेरे बिना अब तो लगे सजा सहर लम्हा। ये आशिकी ये जिंदगी किस मोड़ पे लाई हमें, तुम है कहीं हम है कहीं, अब कैसे हम जिए। ये कहानी रह जाए ना कहीं अधूरी कहानी। अरे हाय, क्या हुआ? खुद ही देख ले, ये देख। तूने कहा था नेत्रा बहुत सीधी है, अब क्या बोलेगा? धोखेबाज। जब उसने तुमसे मिलने के लिए मना किया था ना, तभी मुझे शक हो गया था। hey, मैंने तो बस उसके पेरेंट्स के लिए कह दिया था। मतलब प्रीति के पेरेंट्स नहीं है, मेरे लिए आई थी ना, अजीत के साथ घूम रही, ये बात तुझे क्यों नहीं बताई? दिन में तू 10 बार फोन पर बात करता है, फिर भी नहीं बताया उसने। मुझे तो गेम लगता है यार। उसकी सिचुएशन कैसी होगी हमें क्या पता, शायद फोन पर बता नहीं पा रही, मिलूंगा तो बता देगी। यार प्यार तेरी वीकनेस है, धोखा खाने पर कैसे वाइल्डली रिएक्ट करता है ये मैं जानता हूँ। चीट करने पर स्कूल में शिवा की और कॉलेज में राजेश की कितनी बुरी तरीके से पिटाई की थी मुझे अभी तक याद है। नेत्रा के धोखा के बारे में पता चला तो कैसे रिएक्ट करेगा तू, मुझे ये डर लग रहा है। hey, उसके साथ 4 दिन रहूंगा, उसी के साथ रहूंगा, उतनी ही प्यार से रहूंगा। फिर भी अगर उसने अजीत के बारे में नहीं बताया तब मैं भी मान लूंगा कि वो गेम खेल रही है। इट्स ओके यार,
छोटी सी बात के लिए क्यों रो रही हो? सही वक्त देखकर मैं अपने पापा से बात करके अपनी मैरिज कैंसिल करवा दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग। शौर्या को बिना बताए तुम्हारे साथ आने में मुझे कितनी तकलीफ होती है तुम नहीं जानते। I'm so relieved now. शौर्या is a lucky guy. उसे तुमसे जरूर मिलवाऊंगी। बिल्कुल नहीं, जब तक ऑफिशियली हमारी शादी कैंसिल नहीं हो जाती तब तक मिलना ठीक नहीं है। और आप भी ये बात किसी को मत बताना, घर वालों को पता चला तो अननेसेसरी ईगो इशू होगा। ओके। इनफैक्ट तुम मेरे साथ हो, ये बात शौर्या को मत बताना। तुमने कहा था ना कि वो बहुत सेंसिटिव है, वैसे भी कुछ बताने लायक तो है नहीं। ओके देन, गिव मी सम टाइम, आई टॉक टू माय डैड एंड गेट बैक टू यू। थैंक यू। उसने कहा वो किसी और से प्यार करती है और तुम मुंह उठाकर चले आए, शर्म नहीं आई? सगाई के बाद भी वो दूसरी जाति के लड़के से प्यार करती है, मतलब समझती क्या है वो अपने आप को? क्या मुझे ये सब पता नहीं है? अगर जल्दबाजी करूंगा तो वो उसके साथ भाग जाएगी। पापा, एग्जाम के लिए वो यहाँ आने वाली है, एक हफ्ते ध्यान रखो कि वो उसे ना मिले। तब तक मैं शौर्या को खत्म कर दूंगा, उसके बाद उसे शादी के लिए कैसे मनाना है मुझे पता है। हेलो सर। समधी जी नमस्कार, आप कैसे हैं? इलेक्शंस है ना, तो उसी की तैयारी में लगा हूँ। हमारी बहू क्या कर रही है? एग्जाम्स की तैयारी कर रही है वो अभी तो। हाँ, अजीत ने बताया था वो एक हफ्ता यहाँ रहने वाली है ना, तो फिर कहीं और क्यों रहेगी? यहाँ पर मेरा साला स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, उसके घर रहकर एग्जाम दे देगी। लेकिन वो अपनी किसी फ्रेंड के साथ रहकर? गलत मत समझिए समधी जी, फ्रेंड्स ही खराब कर देते हैं, डाइवर्ट कर देते हैं माइंड को, नॉनसेंस करते हैं। उनके घर भेजना ठीक नहीं रहेगा ना। ठीक है जी, ऐसा ही करते हैं, आपकी बहू आपकी मर्जी, अब रखता हूँ। थैंक यू संदीप जी। क्या कहा? वो क्या कहेगा मेरे आगे? अरे उसे तो मेरी बात माननी पड़ेगी, पागल कहीं का। बस शादी हो जाने दो, उसके भाई को जायदाद को किसी को नहीं। ये लीजिए। थैंक यू माधुरी सर। सरप्राइज। मैं एग्जाम्स के लिए सिटी आ रही हूँ, ये जानकर अजीत के पापा ने मेरे पापा को कॉल करके उनके रिश्तेदार के घर रहने के लिए मुझे फोर्स किया है। फिर तुम क्यों मान गई? पापा के लिए, शिवरात्रि के लिए अभी 10 दिन ही तो बाकी है ना, तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट करके कहा कि थोड़ा मैनेज कर लो। तो इतनी टेंशन क्यों? मेरे साथ चलो, अभी शादी कर लेते हैं। जल्दबाजी किस लिए शौर्या, अभी 10 ही दिन तो बाकी है ना। लेकिन ये 10 दिन मेरे लिए 10 महीनों के बराबर है, इसलिए अब से तुम जहाँ रहोगी मैं वहीं पर रहूंगा। नहीं शौर्या, मेरी बात सुनो, पापा को पता चला तो वो हर्ट हो जाएंगे। कैसे पता चलेगा? तुम साथ कैसे रहोगे, मैं भी तो अनजान लोगों के घर रह रही हूँ। तुम जहाँ रहोगी मैं भी वहीं रहूंगा। आहा, पता भी है, मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर के घर में रह रही हूँ और वो बहुत खतरनाक आदमी है। जीजा, जीजा। कौन है ना तेरा जीजा? ए, मैं रखता नहीं कोई सेंटीमेंट, इसीलिए नहीं है कोई अटैचमेंट। यही डर है मेरा एंटरटेनमेंट और तुम्हारा कांपना है मेरा एक्साइटमेंट। काट के रख दूंगा। ए, पेपर साइन करवाओ इससे। सुनिए जी, मेरी माँ क्या हुआ, मर गई? बड़ा दुख हुआ ये जानकर, वो अभी तक जिंदा है। देखिए ना माँ को कितना बुखार हो रहा है, दवाइयाँ मंगवा दीजिए। चप्पल निकाल कर मारूंगा, इसके लिए पीने का पानी ही काफी है और तू दवाइयाँ मंगवा रही है। नानी को क्यों डांट रहे हो पापा, सारी जायदाद नानी की है। यही तो मेरी परेशानी है ना, अगर ये मरी तभी तो जायदाद मिलेगी और ये मर ही नहीं रही। हेलो जीजू। हाँ, लड़की कहाँ है? लड़की अभी हॉल टिकट लेने गई है। सिक्योरिटी के साथ ना? फुल सिक्योरिटी के साथ। अगर वो आया तो? आने दो उसको, आते ही हवा निकाल कर रख दूंगा उसकी।
शौर्या, तुम्हें सबसे ज्यादा कौन पसंद है? तुम। और अगर मैं तुमसे दूर चले जाऊं तो क्या करोगी? तुम्हारे पीछे आऊंगी। और अगर धोखा दूं तो मार डालूंगी। अगर कहूं तुम्हारे साथ यहीं रहूंगा तो तुम्हें अलमारी में छुपाऊंगी और जब मन करेगा तब किस कर लूंगी। शौर्या। भाई भाई सुनो भाई, जल्दी आओ भाई, भाई भाई जल्दी आओ, भाई जल्दी आओ भाई। क्या है? आपको कुछ दिखाना है भाई, जल्दी चलो। क्या बोल रहा है? सीसीटीवी फुटेज दिखाना है भाई, आओ। कहाँ? यही है भाई। इसे ऑन करो। है ये मारने के लिए आया है या चोरी करने के लिए आया है? चोरी करने आया होता तो कोई सामान गायब होता ना भाई। मारने आया होता तो आपको मारता, लेकिन आपको तो कुछ नहीं हुआ। मतलब क्या लगा के रखा है? कुछ बोलते क्यों नहीं? बोलो क्या कहना है? चुड़ैल है भाई, इसीलिए आपके पीछे पीछे घूम रही है। अरे चुड़ैल होती तो पेड़ पे होती, ये भूतनी है भाई। अगर भूतनी होती तो भाई से चिपक चुकी होती, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तो प्रेत आत्मा होगी? प्रेत आत्मा होती तो हवा में उड़ती भाई, ये पिशाचनी है। अरे पिशाचनी होती तो इनका खून पी चुकी होती भाई। वो चप्पल निकाल कर मारूंगा। क्या है ये? चुड़ैल है, भूत है, प्रेत आत्मा है, वगैरह वगैरह। उल्टी सीधी बात मत करो। भूत हो या प्रेत हो, सबको सुसु के लिए भेज दूंगा। कह रहा हूँ मैं, ये पक्का कोई चोरी है, नोट करके रख लो। क्या हुआ? तुम सब मुझे ऐसे देख रहे हो जैसे एक्सीडेंट के बाद डेड बॉडी को देखते हैं। हमें देख के इतना डर रहे हो, कहीं भूत देख लिया तो? क्या हुआ यार, फिर से देख लो ना भाई। अब ये क्या है? ये लगातार मेरे ही पीछे क्यों पड़ी है? 12 बजे से 4 बजे तक ऐसे ही देख रही थी भाई। देखो चाहे जितना भी खर्चा हो जाए सिक्योरिटी जरूर बढ़ाओ। भाई सिक्योरिटी बढ़ाने से पैसे बर्बाद होंगे, भूत का कुछ नहीं होगा। भाई ये सारी फुटेज हमने सलीम भाई को व्हाट्सएप पे भेजी थी, ये सारा वीडियो देख के वो बहुत डर गया था। डर गया था? अब क्या होगा? हे बुरी बला कोई पीछे पड़ी है, करो जादू टोना इसको बचाओ ना। की आत्मा का साया है इस पे, ऐसी बुरी छाया से मुक्ति दिलाओ ना, ऐसी बुरी छाया से मुक्ति दिलाओ ना। पीछे देखो जरा, मंत्र कोई पढ़ो जरा, वश में है ये किसके बताओ जरा। गॉड से करो दुआ, कोई ऐसी करो दवा, मिल जाए रोग से छुटकारा। ये बुरी बला कोई पीछे पड़ी है, करो जादू टोना इसको बचाओ ना, करो जादू टोना इसको बचाओ ना। कर लिया किसने इस पे काबू? है पीछे पड़ा है राहु, ये गुस्सा है इससे केतु। ना सोचे है दशा इसकी तो खराब, ना होश है इसको अपने हाल का, जाने ये किसका हर दिल में इसके तो है बैठा। ये बुरी बला कोई पीछे पड़ी है, करो जादू टोना इसको बचाओ ना, करो जादू टोना इसको बचाओ ना। Ah!
कैसे जाओगी तुम? तुम्हें लेने अजीत आने वाला है क्या? अजीत? अजीत क्यों आएगा यहाँ? कभी कभी मिलते रहते हो ना, और यहाँ रहने के लिए उसके पापा ने ही कहा था ना, इसलिए पूछ लिया। ऐसा कुछ नहीं है, बस एक बार कॉल कर लिया था। ओके, देन आई विल ड्रॉप यू। क्या हुआ, कुछ बात नहीं कर रहे ऐसे चुपचाप बैठे हो? बस स्माइल दे रहे हो? हमें मारने के लिए इसे किसने भेजा है ये पता करना होगा। चढ़ो। हेलो, मैंने उड़ा दिया था भाई, लेकिन वो लोग बच गए। हाँ, मैं बाद में फोन करता हूँ। ठीक है भाई। रहो, मैं अभी आता हूँ। इसने इतनी देर तक तुम्हारे चाचा से ही बात की थी। लेकिन मेरे चाचा को हमें मारने की जरूरत क्यों पड़ गई? तुम्हारे पापा दो बार एमपी बन चुके हैं, लेकिन तुम्हारे चाचा एक बार भी एमएलए नहीं बने। उन्होंने कहा था ना, मुझसे शादी की तो तुम्हारे कास्ट के लोग वोट नहीं देंगे। अब समझ में आ गया, तुम्हारे लोग हमें मार देंगे लेकिन हमारी शादी कभी नहीं करेंगे। शायद तुम्हारी दीदी को ये बात पता थी इसलिए भाग गई। इसका एक ही सॉल्यूशन है, हम अभी शादी कर लेते हैं। नो वे शौर्य। पहले हम दोनों शादी करेंगे, शादी की फोटो तुम्हारे पेरेंट्स को भेजेंगे, मान लिया तो ठीक है, नहीं तो फोटोज मीडिया में भेजेंगे बोलकर धमकाएंगे। नेत्रा, उनका टारगेट पहले मैं हूं उसके बाद तुम हो, अब भी समझ में नहीं आ रहा है? रिक्वेस्ट करने के बाद बड़ी मुश्किल से वो शादी के लिए मानी सर। मुझे मार देंगे ये जानकर भी वो शादी के लिए नहीं मान रही थी, इसका मतलब जरूर वो मुझसे गेम खेल रही थी। मैंने उससे प्यार किया था लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। मेरा प्यार सच्चा है, उसका प्यार धोखा था, इसलिए उसे भरोसा दिलाकर शादी करके मारना चाहता था। उसके लिए तो वही पनिशमेंट सही है। ए, तेरे जैसे लोगों के लिए तो अरब देश का कानून ही हलाना होगा, जो जैसा मारता है उसे वैसे ही मारते हैं। चलकर वेपन कलेक्ट कर लेते हैं। उसे मारने के बाद मैंने वो चाकू वहीं फेंक दिया था। आखिरी बार उसकी लाश देखने गया था, देखा तो वो तब भी जिंदा थी। उसके पास जाकर उसका गला दबाकर मारना चाहता था, लेकिन इतने में कोई देखकर चिल्लाया तो मुझे मजबूरन एक्टिंग करनी पड़ी। चलें सर। उस रात नाइट ड्यूटी करने वालों के साथ अंदर चला गया था। सर, नॉट अलाउड सर। ए, जाके बोल पुलिस आई है। ठीक है सर। क्या बोल?
ये फैक्ट्री किसकी है? एमपी सत्यमूर्ति के भाई अजय मूर्ति की है सर। अजय मूर्ति। हाँ प्रसाद, मर्डर करने वाला चाकू तुम्हारी फैक्ट्री में है। अच्छा, उसे चेक करने आप उसे फोन दीजिए, बात करो। भाई वो फैक्ट्री चेक करेंगे, उन्हें करने दो। ठीक है भाई, आइए आप। ए हटना। यहां फेंका? हाँ सर, अंधेरे में कहां फेंका था याद नहीं है, एक गड्ढे में डालकर मैंने उसे दबा दिया था। सच में सर। जल्दी से सर्च पार्टी को बुलाओ। सर रात होने वाली है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे लगता है मर्डर केस के सबूत यहीं कहीं जमीन में दफना दिए गए हैं, कोई ना कोई सबूत जरूर मिलेगा। ठीक है सर, सर्च करो। सर एक बार यहाँ आकर देखिए सर, जल्दी आइए सर, सर जल्दी आकर देखिए सर। सर इसका नाम कमल है, 3 महीने से लापता था। सर सर आइए देखिए क्या है, जल्दी आइए सर। ओह गॉड, ओपन करो। ये बॉडी? सर ये बॉडी हमारे एमपी सत्यमूर्ति जी की बेटी और उनके लवर की है। सर सर एक बार यहां आइए सर, जल्दी आइए सर। मरने से पहले उसने एक पेपर पर 635 नंबर लिखा था। इन्हें लेकर जाओ। यस सर। टेक द डॉग्स अवे। ओके सर। बी अलर्ट। आपके फैक्ट्री कंपाउंड से बहुत सी लाशें मिली हैं, इसलिए आपके घर में सर्च करने आए हैं। भैया सर्च वारंट। ओपोजिशन के लोगों ने जानबूझ के किया होगा। इडियट्स, बाद में देख लेते हैं। तुम लोग जाओ। ए, रुक जाओ, क्या कर रहे हो तुम लोग? हमारा घर सर्च करने की क्या जरूरत है, जब मैंने खुद ही फैक्ट्री चेक करने के लिए आपको बोला था। मुझ पे ही शक है आपको? नायक मिल गया। सर सर बचा लीजिए सर। वहां जो लाशें मिली उन्हें उसी ने मारा है, और उसे मारने का ऑर्डर आप ही ने दिया है, उसके वीडियो रिकॉर्डिंग है। सर अजय मूर्ति ने ही मुझसे यह सब करवाया है। सर सर अजय मूर्ति के बेडरूम में चाकू मिला है, डिजाइन भी मैच हो रहा है सर। मुझे नहीं पता यह कैसे आया। इसे फॉरेन लैब में भेजिए। ओके सर। आपकी बड़ी बेटी की लाश मिली है उसके लवर के साथ, विकलांग का लिहाज भी ना करते हुए उसे और उसके लवर को डंडों से मरवाया। क्या किया तूने? किस जन का बदला ले रहा है तू? इसे सूली पर चढ़ा दीजिए। बहुत हुआ, अच्छा होगा अपना ड्रामा यहीं बंद कर दो। ए, ये ड्रामा लग रहा है। कृष्णा मैं टीवी हूँ तो ये रिमोट है, मैंने जो किया इन्हीं के कहने पे किया। चुप कर, मेरा इसे क्या लेना देना। भैया जिस दिन आपने खुद की बेटी को मारने के लिए कहा था ना, उसी दिन मुझे शक हो गया था कि ये दिन जरूर आएगा, इसलिए मैंने हर एक एक चीज की रिकॉर्डिंग करके रखी है। वो सारे रिकॉर्ड्स मेरे पास हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं।
ये क्यों किया आपने? ये सब करना जरूरी था मेरे लिए। मेरी इज्जत पावर सबको लात मार कर वो किसी और के साथ भाग रही थी और मैं बैठकर देखता रहता। वो जिंदा रहती तो मेरी पॉलिटिकल पावर खत्म हो जाती। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, उसे मारकर मैंने कोई गलती नहीं की। नेत्रा मेरी जान थी मैडम, तो मैं क्यों उसे मारता? बल्कि इन्होंने ही हमें मारना चाहा। उसके बाद नायक को फॉलो करके फोन चेक करने पर सारे कॉल्स नेत्रा के चाचा अजय मूर्ति के थे ये पता चला मैडम। लेकिन नेत्रा ने कहा उसके चाचा ऐसे नहीं हैं। तभी मुझे शक हुआ था मैडम, इसलिए नायक को मारा था। नायक ने मुझे बताया कि ये सब नेत्रा के पापा और चाचा की चाल है। ये सिर्फ नेत्रा को ही नहीं, नेत्रा के साथ साथ मुझे भी मारना चाहते थे मैडम। उसके बाद डेड बॉडीज के बारे में बताया मैडम, कहा था अप्रूवर बनेगा और रिकॉर्ड करने को भी कहा था। उसके पापा उसे रोज अजीत के साथ बाहर जाने के लिए रिक्वेस्ट करते थे और ये बात मुझे बताने से मना किया था। तब उस पर मुझे जो शक था वो भी चला गया। तब मैं समझ गया कि हम यहाँ रहे तो जिंदा नहीं बचेंगे। ऐसे पावरफुल इंसान के सामने मुझ जैसा मामूली इंसान क्या कर सकता है। उसके बाद ऐसा यादगिरी जी से मिलकर नायक के बारे में और डेड बॉडीज के बारे में बताना चाहा, तो ये भरोसा नहीं था कि न्याय मिलेगा। इसलिए नायक को ले जाकर फैक्ट्री में बंद कर दिया। हमारे फ्लाइट में बैठने से पहले मीडिया को कॉल करके रिकॉर्डिंग देना चाहते थे, लेकिन तभी नेत्रा का गला काट कर मार दिया मैडम। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। तब नेत्रा ने मरने से पहले पेपर पे 635 लिखा था मैडम। मरते वक्त भी उसकी दीदी के हत्यारों को सजा मिले, ये मेरी नेत्रा की इच्छा थी मैडम। तभी मैंने सोच लिया था अगर मैं ये मान लूं कि नेत्रा को मैंने ही मारा तो हथियार के लिए मुझसे पूछेंगे और उसे ढूंढते वक्त डेड बॉडीज और नायक अपने आप मीडिया के सामने आ जाएंगे। आज के दिनों में भी जात पात के नाम पर सगी बेटी की हत्या करने वालों को मत छोड़िए मैडम, तभी नेत्रा की आत्मा को शांति मिलेगी। इस केस से शौर्य का कोई भी संबंध नहीं है, इसलिए उसे बाइज्जत बरी किया जाता है। कॉल द अक्यूज्ड। हेलो सर, मैं मदन प्रसाद बोल रहा हूँ फॉरेंसिक लैब से। हाँ मदन प्रसाद, चाकू के खून की रिपोर्ट मिली तुम्हें? वो क्या है सर, चाकू का खून नेत्रा के खून से तो मैच हो गया सर, लेकिन जब गला काटते हैं ना तो खून के साथ स्किन फ्रैगमेंट्स, बोन फ्रैगमेंट्स होने चाहिए सर, लेकिन आपने जो चाकू भेजा है उस पर वो नहीं है। यही बताने के लिए मैंने आपको कॉल किया है सर। मतलब मर्डर से पहले ही नेत्रा के खून का चाकू किसी ने अजय मूर्ति के रूम में रख दिया था? वो सब तो मैं नहीं कह सकता सर, लेकिन फ्रैगमेंट्स नहीं है। हेलो। हाँ हेलो, बोलिए सर। एक बार नेत्रा की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पढ़ो। सर इसमें लिखा है कि गले में किसी तेज धार वाले हथियार से वार किया गया और जिसने वार किया वो लेफ्ट हैंडर है, जिसकी वजह से। रुक रुक सर, अभी जो पैराग्राफ पढ़ा वो फिर से पढ़ो। हाँ सर, लिखा है गला काटने वाला लेफ्ट हैंडर है, जनरली हम जहाँ से काटना शुरू करते हैं वो गहरा और दूसरा भाग हल्का कट होता है, इसीलिए हत्यारा लेफ्ट हैंडर है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है सर। सर एक और बात, शौर्य का नेत्रा के साथ यूके जाकर वहाँ की कंपनी में जॉब करने की बात झूठी है सर। वहाँ की कंपनी से कॉन्टेक्ट करने पर पता चला कि वो किसी शौर्य को नहीं जानते। ओके थैंक्स। शौर्या,
गुड कैच। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से कॉल आया था। अजय मूर्ति के घर से जो चाकू हमें मिला था उस पर स्किन फ्रेगमेंट्स या बोन फ्रेगमेंट्स नहीं है, और गला काटने वाला तुम्हारी तरह लेफ्ट हैंडर है, और वैसे भी इतना क्रिमिनल माइंड रखने वाला अजय मूर्ति घर में चाकू क्यों रखेगा, वो भी बिना धोए। मुझे तो पहले से ही शक था, ये सब देख के लग रहा है हत्यारे वो लोग बिल्कुल नहीं है। एंड मोर ओवर, तुम और नेत्रा मिलकर यूके की INT कंपनी में ज्वाइन करके खुशी से अपनी जिंदगी बिताना चाहते थे, सच है ना? लेकिन ये कहानी झूठी है। आप मुझे नहीं पकड़ सकते सर, क्योंकि पॉइंट नंबर वन, मैं एम्बिडेक्स्ट्रस हूँ, मतलब सिर्फ लेफ्ट हैंड ही नहीं राइट हैंड भी यूज करता हूँ। पॉइंट नंबर टू, नाइफ, आई हैव अ स्ट्रॉन्ग एलिबाइजर, मैंने उनके घर पे जाकर चाकू रखा है, ये आप प्रूव नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट, अभी मैंने अंदर जो एक्शन और ड्रामा किया CRPC 232 A सेक्शन के अंडर, इनसफिशियंट एविडेंस, बेनिफिट ऑफ आउट से मुझे छोड़ देंगे। मैं सॉफ्टवेयर कंपनी में जाना चाहता हूँ, ऐसा मैंने सारे लोगों को बताया था, लेकिन उन्होंने जॉब दिया है ये नहीं बताया। चाहो तो अब रिकॉर्ड्स चेक कर लीजिए। एक शब्द में कहूं तो आप मेरा बाल भी नहीं उखाड़ सकते। ये सब तुमने क्यों किया? उसने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? सर, न्याय और अन्याय कभी स्पेसिफिक नहीं होता, हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मैं आपको एक कहानी सुनाऊं। दिल्ली के एक सवन चक्र जू में एक टाइगर इंक्लोजर में एक आदमी गिर गया था, उसके पास शेर आ गया, उसने डर कर पीछे जाकर हाथ जोड़ना शुरू कर दिया। उसने कहा मैं तुम्हारा खाना नहीं हूं, लेकिन शेर ने नहीं सुना, पंजा मारकर उसे पकड़ना चाहा। ये देखकर आसपास के लोगों ने ऊपर से पत्थर फेंककर शेर को मारना शुरू कर दिया, तो शेर को गुस्सा आया और उसे ले जाकर उसका गला काटकर उसका खून पीकर मार दिया। ये सिर्फ लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है सर, शेर का भी एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। उसे अच्छी तरह पता है गिरने वाला इंसान है वो उसका खाना नहीं है, उसके डर कर हाथ जोड़ने से डरो मत बोलकर कंधे पर हाथ रखना चाहता था, लेकिन उसके हमारी तरह हाथ पैर नहीं है ना, इसलिए हमने सोचा कि उसने पंजा मारा है। इतने में लोगों ने ऊपर से बड़े बड़े पत्थर फेंके, तो इसे कहीं चोट ना लग जाए इस डर से अपने बच्चों को जैसे गला पकड़ कर वो ले जाता है, वैसे ही इसे भी दूर ले जाकर फेंक दिया। मुझे आप वो शेर बनाने की कोशिश मत कीजिए, ये शेर का पॉइंट ऑफ व्यू है सर। आप गलती को रोकना चाहते हैं और मैं न्याय दिलवाना चाहता हूं, हम दोनों भी सही हैं सर, छोड़ दीजिए। हे, जल्दी गाड़ी निकालो सर, फास्ट। Hey, मुझे ठीक से दिखा, नेत्रा के से जुड़ी सारी फाइलें दो। ओके सर। छोड़ूंगा नहीं उसे। सर, ये लीजिए सर। इसे मैंने देखा है, यही का है? ये डॉक्टर है सर, नेत्रा का इलाज करने वाला यही है, उसका भाई खो गया था तो ढूंढने के लिए यही फोटो देकर गया था। हम प्यार करें तो शादी करते हैं, नफरत करें तो मार देते हैं। अगर वो बदला लेना चाहता था तो शादी करके इतने लोगों के बीच में वहां ले जाके क्यों मारेगा? देयर इज समथिंग सस्पिशियस इन दिस केस। मुझे नहीं पता ये कैसे आया। मुझे आप वो शेर बनाने की कोशिश मत कीजिए। मतलब लड़की जिंदा है? ये आप क्या कह रहे हैं? नेत्रा अभी तक जिंदा है। Thank you.
ये आप क्या कह रहे हैं सर? फ्यूनरल में तो मैं भी गया था। हर घटना के पीछे तीन कहानियां होती हैं। एक जो इंसान सोचता है, दूसरा जो इंसान करता है वो बताता है, और तीसरी जो सच है वही कहानी है। जो तुमने देखा सोचा वो कहानी नहीं है। लेकिन शौर्य ने मान लिया था कि उसी ने मारा है। उसे मारना ही सही था। वो कहानी एकदम झूठी है, असली कहानी कुछ और ही है। ये पूरी कहानी नायक सत्यमूर्ति और अजय मूर्ति के सच को बाहर लाने के लिए शुरू हुई थी। दीदी ने पापा से कभी कुछ नहीं मांगा था। पहली बार पापा के सामने हाथ जोड़कर कहा कि ये लड़के से मेरी शादी करा दो। यहाँ तक कि वो पापा के पैरों पे भी गिर गई थी। पापा ने भी हाँ कह दिया। फिर मैं इतने दिन सोचती रही कि वो क्यों भाग गई। लेकिन भरोसा दिलाकर मार देंगे ये नहीं सोचा था। अब मुझे समझ में आ रहा है, मेरे पापा हर बार प्लान करके मुझे अजीत के साथ बाहर जाने के लिए रिक्वेस्ट क्यों किया करते थे। तुम्हें बताने से मना किया करते थे। लेकिन आखिर में मैं तुम्हारे साथ हूँ ये जानकर उन्होंने मुझे मारना चाहा, सिर्फ पावर के लिए, नाम के लिए। पावर के लिए और नाम के लिए ऐसे काम करने वालों को बाहर घूमने का हक बिल्कुल नहीं है शौर्य। कुछ भी करके इनका असली रूप बाहर निकालना ही होगा। प्लीज आपके भाई को मार दिया है सर। क्या? डेड बॉडी को केमिकल फैक्ट्री में गाड़ दिया है। तो हम लोग पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। आपके बताने के फौरन बाद ही एसआई यादगिरी अजय मूर्ति को फोन करके बता देगा और सुबह तक लाश को गायब कर देंगे सर। अगर हम मीडिया को वहां लेकर जाएं तो? उस एरिया में आम आदमी नहीं जा सकते सर। लड़ाई करके परमिशन लेने से पहले ही लाश गायब हो जाएगी सर। तो क्या करें हम? मेरे पास एक प्लान है। सत्यमूर्ति पकड़ा गया ना सर, अब तो वो बता सकता है कि लड़की जिंदा है। वो लोग बेल लेकर बाहर आकर उसे बेस करके पुराने केस को वीक कर सकते हैं, गुस्से में नेत्रा को कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए जब तक उन लोगों को सजा नहीं मिल जाती तब तक शौर्य डेफिनेटली नेत्रा को बाहर नहीं लाएगा, कंफर्म है। तो लड़की के साथ उसके भागने से पहले हम उसे पकड़ लेते हैं। क्यों पकड़े? उसने कोई अपराध नहीं, न्याय किया है। हाँ? जैसे एक मुजरिम को सोसाइटी में रखना गलत है, वैसे ही एक अच्छे इंसान को जेल में रखना गलत है। उसने शेर की कहानी मुझे कंफ्यूज करने के लिए नहीं, रिक्वेस्ट करने के लिए बताई थी। वैसे जो काम हमें करना चाहिए था उसने कर दिया। लीव हिम, जस्ट लीव हिम। जहाँ कहीं भी रहे, खुश रहे, इतना ही काफी है मेरे लिए। दुखी मत होइए आंटी, उनकी सजा कंफर्म होते ही हम वापस आ जाएंगे। प्रिया प्यार मिला है मुझे जब से तेरा, तो मुझको है मिले जीने की वजह। मैं रब से मांगू अब तो बस यही दुआ, ये रिश्ता रहे तेरा मेरा यूं ही सदा। मेरी दीदी की फेवरेट प्लेस है ये, हम रेगुलरली आते थे। तुझसे है मेरी ये दुनिया, तेरे बिन हूँ मैं अधूरा, तुझसे वजूद ये मेरा।
ओ प्रिया प्यार मिला है मुझे जब से तेरा तो मुझको है मिले जीने की वजह. You my baby, you my boo. My love is for you, so it's true. No one's between me and you. Together we are beautiful. It's all in the game. Let's take all the pain. The moment of fate. Our world is in play, play. Sujh se mile bina, uwa uwa, dil mera maane na. Aalam ye dil ka, uwa uwa, hai tujhe se hi khushnuma. तुझपे ही मिला है दिल को प्यार का नजराना. तेरे आने से लगता हर लम्हा सुहाना. अब तुझ में ही दिखता है मुझको अक्स मेरे रब का. जान मेरी हर सदा में है तू. ओ प्रिया प्यार मिला है मुझे जब से तेरा तो मुझको है मिले जीने की वजह.